जिस हुनर के लिए एक दौर में सराहना मिलती थी, उसी हुनर के चलते आज समाज में पिछड़े सिकलीगर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल तेज होने लगी है। ऐसा ही एक प्रयास रविवार को खालसा सिख सिकलीगर प्रांतीय सम्मेलन में भी देखा गया, जिसमें सामाजिक संगठन समाज और पुलिस प्रशासन एक मंच पर आया। कृषि उपज मंडी में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता अखिल भारतीय घुमंतु कार्य प्रमुख दुर्गा दास जी ने अवैध हथियार निर्माण सहित तस्करी में लिप्त युवाओं को सिख देते हुए कहा कि यह वह कीचड़ है जिसमें आप एक बार फंसते हो तो निकलना आसान नहीं होता। इससे केवल अपनी खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही बाहर निकला जा सकता है, दूसरे केवल प्रयास कर सकते हैं। सम्मेलन में सिकलीगर समाज को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए प्रयासों पर चिंतन किया गया। सम्मेलन के दौरान जो बोले सोनीहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह का जय घोष गुंजायमान होता रहा। SP धर्मवीर सिंह ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम भी परिवर्तनकारी और सकारात्मक पहल है। यह अवैध काम छोड़ना अब आपकी पसंद नहीं बल्कि जरूरी हो गया है। शासन प्रशासन की पहल से पहले आपको खुद इससे बाहर आना होगा। सम्मेलन को मिसा बंदी जर्मन सिंह सतनाम जुनेजा ने भी संबोधित किया। एकल गीत गोविंद खेड़े ने प्रस्तुत किया। सम्मेलन के दौरान सिकलीगर समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष मगन सिंह भाटिया, प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र टकराना, RSS जिला संघ संचालक डॉक्टर अजय जैन मंचा सिंह थे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। अंत में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हो गई है पीर पर्वत की, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारे विषय हम सबके बीच में रखे। कुल मिलाकर के बात तो वही है, लेकिन दो तीन बातें ऐसे मिलती जुलती और आप सबके बीच में रखने की मेरे को जिम्मेवारी मिली है, इसलिए वो भी मैं रखने की कोशिश कर रहा। सबसे पहले मैं ये बात आप सबके सामने फिर एक प्रसन्नता के साथ में, गौरव के साथ में कहना चाहता हूं कि अपना ये सिकलीगर समाज दो परंपराओं का वाहक है, दो श्रेष्ठ परंपराओं से हम जुड़े हुए हैं। हम जब अपने इतिहास में पहले जाते हैं तो हमारा उद्गम कहां से है, तो एक बड़ी मान्यता यह है हमारा उद्गम राजस्थान, मेवाड़ और चित्तौड़ से है। वहां पर भी राज्य के लिए, सेना के लिए शस्त्र बनाने की जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी वो कभी हमारे से संबंधित पूर्वजों ने निभाई। इन सभी समुदायों के पुनरुत्थान के लिए, इनके विकास के लिए, इनके कल्याण के लिए एक पृथक से मंत्रालय का गठन किया हुआ है। मध्य प्रदेश शासन लगातार इन समुदायों के उत्थान के लिए बहुत पहल की गई है और लगातार पहल की जा रही है। शासन की सारी योजनाएं कहीं ना कहीं इन समुदायों के लिए केंद्रित रहती हैं। आज का जो मौका है ये बहुत ही, जो हमारे वरिष्ठ जन है, मंच है, ऐसे आयोजन समाज की बांह पकड़ने का काम करते हैं, समाज को दिशा देने का काम करते हैं, तो ऐसे आयोजनों की जितनी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। मुझे यहाँ पे बुलाया गया है पुलिस की दृष्टि से भी और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन पुलिस कैसे करे उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ कुछ चीजें रखने का मौका मिलेगा। बनाने का काम, कानून आ गया 1559 में, आर्म्स एक्ट आ गया और आर्म्स एक्ट के आने के बाद बिना लाइसेंस के, बिना अनुमतियों के कोई भी हथियार बनाना इलीगल कर दिया गया। अब 1559 से लेके अभी वर्षों निकल गए, वो समाज, वो जो हमारा हथियार बनाने का मूल काम था, जो जिम्मेदारी थी, तो धार्मिक सेवा और समाज सेवा के नाम पे हम लोग करते चले आ रहे थे, अभी के वर्तमान कानूनों ने उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया।
कानून समय के हिसाब से बनते हैं, समय की जो आवश्यकताएं होती है बनती है। पहले जो हथियारों का कानून था उसमें उतनी सजाएं नहीं थी, अब जो नए कानून आ रहे हैं उन कानूनों में अवैध रूप से हथियार रखना, अवैध रूप से हथियार बनाना बहुत ही बड़ा गुनाह होने जा रहा है। पहले 3 साल की सजा थी, 7 साल की भी आजीवन कारावास की सजाएं भी इसमें होंगी। एक संगठित अपराध के रूप में इसको रखा जाएगा। अब हमारे सामने चुनौती क्या है? मेरा ये मानना है कि जब तक परिवार के मुखिया के नाते, एक पिता के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं लूं, तब तक शासन कितना भी हाथ पकड़े, सामाजिक संगठन कितना भी हाथ पकड़े, ये एक बीमारी है। इस बीमारी का निदान है अपना दृढ़ निश्चय। समाज, सरकार, शासन, सभी लोग साथ में खड़े हैं, लगातार चिंतन करते हैं क्या किया जाए। विगत दिनों मध्य प्रदेश शासन की पहल पर ही आप सभी को याद होगा, एक पहल हुई थी महेश्वर में, जिसका हमने नाम दिया था कल आज और कल। कल क्या था, आज क्या, कल क्या होगा। उसमें जितने भी हमारे सिकलीदार समुदाय के जो गांव है उनसे हमने प्रतिनिधि बुलाए थे और उनके साथ कमिश्नर साहब थे, आईजी साहब थे, सभी जिलों के कलेक्टर थे, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक थे और एक लंबी चर्चा हुई थी कि हम कैसे इस समाज की समस्या को समझे और समाज की समस्या को समझते हुए उसमें कैसे सकारात्मक पहल करें, प्रशासनिक इंटरवेंशन कैसे हो और किस प्रकार से इस समाज के साथ में जुड़ के प्रशासन इनको एक अलग दिशा में लेके आए, मूल धारा में लेके आए। आज जो है यहाँ पर क्रांति सम्मेलन आयोजित किया गया सिकली समाज का, और किस प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाए? जी, ये आज का जो प्रांतीय सिख सिकलीगर समाज का सम्मेलन है, ये विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के बैनर तले किया जा रहा है। इसमें जो 51 जातियाँ आती है विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज में, उसमें एक जाति हमारी सिख सिकलीगर समाज की भी आती है। जो ये घुमंतु समाज के बैनर तले जो कार्यक्रम आज सिख सिकलीगर समाज का किया जा रहा है, ये काफ़ी सार्थक प्रयास है और आने वाले समय में इसका कोई महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल के सामने आएगा, ऐसी पूरी पूरी संभावना है। कई बार जो है समझाइश भी दी गई पुलिस द्वारा और लोगों को उसमें अवैध हथियार बनाने की जो है मनाई की गई, कई बार इसको जेल में गए, अब किस प्रकार से उसमें पहल की जा रही है? जी, उसी पहल की एक कड़ी है कि किस प्रकार इस समाज को अवैध शस्त्रों से निकाल कर मुख्य समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। शासन और प्रशासन और सरकार से जुड़े हुए जो संगठन हैं वो भी उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हमारी समाज के जो सामाजिक संगठन हैं वो भी उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसका नतीजा ये निकल के आ रहा है कि ये क्या है, लंबी बीमारी है। एक दम से आज हम यदि उसको इस बीमारी को मिटाना चाहें तो बीमारी नहीं मिटेगी, पर सने सने उसके रिजल्ट निकल रहे हैं। कुछ जो लोग हैं, जो पुराने लोग जो इस धंधे में लिप्त थे, वो भी इस धंधे से इसको तिलांजलि देकर मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जो नई पीढ़ी है वो तो मैं ये मानता हूँ कि 99% इस धंधे में लिप्त नहीं है। वो कैसे भी अपने हुनर से, अपने एजुकेशन के माध्यम से, अपने छोटे छोटे व्यापार या कहीं छोटी छोटी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से आज पहुँचे हैं आप? आज ये आए हैं इंदौर संभाग के सभी जिलों से, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और धार जिले के यहाँ समाजजन उपस्थित हुए हैं। हाँ, आज यहाँ पर विमुक्त घुमंतु समुदाय के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं अपने दुर्गादास जी भाई साहब, वो उनके मुख्य आतिथ्य में ये आज कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। क्या नाम लिखा? मेरा नाम मगन सिंह भाटिया, सिख सिकलीगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा मेरा दायित्व है। देखिए, ये घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए ये कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर आयोजन किया है। इसमें हमारे जोन के सभी जिलों के जो सिकलीगर समुदाय के लोग हैं वो आए हुए हैं। प्रशासन को कैसे इनकी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए और किस प्रकार से मुख्य धारा से जुड़े, इस पर चर्चा हुई है। इनकी तरफ से भी लगातार पहल की जा रही है
और इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं निश्चित रूप से समाज को प्रशासन के साथ और मुख्य धारा के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। सिकलियर समुदाय के जो गांव खरगोन में हैं उनका सर्वे हमने कराया है और सर्वे के बाद जितनी रोजगार उन्मूलक योजनाएँ हैं उनका लाभ दिलाने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो समाज की सहभागिता है और सामाजिक संगठनों की सहभागिता है उसके बहुत ही सफल परिणाम आएंगे और जिस प्रकार की अवैध गतिविधियां इन क्षेत्रों में सामान्यतः संज्ञान में आती हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।